अस्सलाम वालेकुम अली, तो आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। तो अभी दर्जी के पास जाने लगा हूँ, एक सूट मिला है, ये लट्ठे का है। तो मौसम आजकल है इनका डालने का, तो ना तो ये ज़्यादा गर्मी में डाले जा सकते हैं तो ना ही ज़्यादा सर्दी में। तो इनको सिलाई करवाना है, एक दो शादियाँ आ रही हैं उनके लिए डाल लेंगे। फिर सूट मैंने ले लिए, अब चलते हैं दर्जी की दुकान पर, तो उनको देते हैं। नया माप भी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कद बढ़ गया है कुछ दिनों के अंदर अंदर। बाकी सब जो सूट हैं वो छोटे हो चुके हैं, तो माप भी नया देंगे। तो सूट भी दो हैं, एक कैमरा का और एक कॉटन का, एक लट्ठे का, ये देंगे। पंद्रह कितना करा? 16 कर दें। 15 सही है, 15.5 कर दिए। 16 बन जाओ दर्जी आज की रात। इनके पास रहूंगा और इनसे सीखेंगे, लगाऊंगा मैं कमीज और सलवार को सिलाई करने का तरीका। तो ये अभी भाई ने किया है, तो मैं देख रहा हूँ मशीन फ्री चल रही है, अभी इसको तार नहीं है इनका दुकान पे, तो मैंने कहा चलो मैं ही फोन कर देता हूँ। तो अभी दर्जी के पास से होकर आए वापस, तो टाइम चाय का हो चुका है। चाय बनी पड़ी थी घर, तो काम में डाल दी गई थी, लेकिन देखते हैं अभी वो ठंडी है, मुझे लग रहा है कि अभी वो गर्म गर्म है, तो उसको पहले पी लें, क्योंकि पहले भी काम में डाल कर रख दी थी घर वालों ने, तो अब पी लेनी चाहिए, ये ना ज़्यादा ठंडी हो जाए। तो फिर इसका तो फिर इसको पीने का कोई मज़ा नहीं है, तो ना ही कोई फ़ायदा है। चाय बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है, लेकिन एक बात गलत है, मीठा बहुत कम है, लेकिन मैं मीठा ज़्यादा पीता हूँ, मीठा थोड़ा सा कम है। तो जो जिसके नीचे हम मुर्गा देते हैं उसको मतलब के टोकरा वगैरह कहते हैं, टोकरा कहते हैं पंजाबी में। तो ये मैं पहले यहाँ लगाता था, ये खाद पड़ी है खाद से थोड़ा सा दूर, लेकिन सर्दी है आजकल बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नज़दीक करके लगाऊंगा ताकि सर्दी से बच जाए। तो इधर खाद पड़ी है, पहले इधर भी खाद पड़ी थी, इधर भी। तो टोकरा पहले यहाँ लगाता था दरवाजे के पास, तो यहाँ सर्दी ज़्यादा लगती थी, तो अब टोकरा उस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे, ताकि सर्दी से बच जाए। ऊपर ये जो बोरियाँ हैं सेबे की बनी हुई, ये दे देते हैं ताकि इन सर्दी ज़्यादा ना लग सके। तो आज टोकरा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे मुर्गा और एक मुर्गी है वो नीचे चली जाएगी, और उसके बाद ये बोरियाँ हैं ये डाल देंगे। तो अभी ट्रैक्टर के ऊपर मिट्टी है, ये देखें, तो इसको कपड़ा मारना है और इससे जो मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह वो उतारनी है, क्योंकि ये ना नहलाया था, नहलाकर इसको यहीं पर खड़ा कर दिया, तो डस्ट वगैरह इस पर पड़ती रहती है। तो भाई ने कहा कि इसको एक बार कपड़ा मार दें तो ये साफ़ हो जाएगा। पीछे ये हल है, इस पर खाद वगैरह रख के बाहर ले जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी वगैरह ज़्यादा होगी, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। तो मुझे अभी चलाने का तरीका नहीं आता, एक दो बार मैंने चलाया था तो मैं ना लगने लगा था मुझसे, फिर उसके बाद मैंने नहीं। ये खड़ा है मुर्गा और छोटी सी साथ मुर्गी है, तो हमारा जो मुर्गा है वो माशाल्लाह अजान अजान देने लग पड़ा है, मतलब कि बड़ा हो गया है, मुर्गी छोटी है साथ। ये ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा कपड़ा मिल गया,
इससे अच्छे साफ कर दे। ये ऊपर ऊपरी मिट्टी है साइडों पर बहुत काम है। इसको जो डग पर नहाते हैं वो भी 500 रुपये लेते हैं, अगर इसको साथ साथ साफ करते जाए तो ये फिर मतलब कि 6 दिन इसके गुजर जाते हैं और सफाई भी रहती है, नहलाने की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसको साफ करते रहे तो अच्छी है बात है, अगर बहुत दिन बाद साफ करें या फिर इसको नहलाएं ना तो इसके ऊपर खराशी वगैरह पड़ जाती है तो वो फिर ट्रैक्टर की जो शो है उसको नुकसान देती है। तो ट्रैक्टर मुझे चलाना नहीं आता लेकिन शौक़ बहुत है मुझे ट्रैक्टर चलाने का। तो एक दो बार मैंने ना ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की है तो डर भी लगता है कि कोई नीचे ना आ जाए या कहीं लग ना जाए तो मसला ना हो जाए। तो अब मेरा इरादा है पक्का कि इसको चलाने की कोशिश भरपूर करूँगा और इसको चलाना सीख जाऊँगा इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो भाई मुझे कहता है कि पहले इसको साफ़ करना और ये सब सीखोगे तो फिर इसको चलाना आएगा वरना नहीं आएगा, तो उनकी बात भी ठीक है। तो पहले इसको मैं साफ़ करना सीखूंगा तो फिर इसको चलाना मुझे आएगा, अगर इसकी सफाई करनी नहीं आएगी तो चलाना कभी नहीं आएगा। अब आप देखें अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है यहाँ से भी इधर से भी, तो ये इधर से सीट वगैरह बिल्कुल साफ़ करते किए। पहले देखा था आपने पहले कितनी मिट्टी थी ऊपर, अब साफ़ किया तो कैसे चमक रहा है। तो इसी तरह मैं अब पाकपतन मतलब सिटी गया तो इसके लिए ना एक कपड़ा लेकर आएंगे जो इसके ऊपर डाल लें, तो फिर जब घर खड़ा होगा तो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं आएगी। एक बार इसको साफ़ कर दे तो आप बिल्कुल चमक रहा है।